रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आज छापेमारी की। छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। हम आपको बता दें कि पीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण लिंग जांच न किए जाने और फायर सुरक्षा व्यवस्था की गहनता से जांच की गई। ये छापेमारी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की गई। साथ ही हम आपको बता दें कि जांच के दौरान कई खामियां भी पाई गई। अधिकारियों ने इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन आज यह छापेमारी की गई है। कुछ सेंटर पर फायर एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग एक्सपायर पाए जाने की भी चेतावनी दी गई। माना जा रहा है कि जिला प्रशासन को अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच की शिकायत मिली थी। शिकायत के तहत ही सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और एडिशनल सीएमओ की टीम ने छापेमारी की। हम आपको बता दें कि रायबरेली में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की और लापरवाही देखते हुए कई जगह चेतावनी भी दी। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। ये PCPNDT एक्ट के अंतर्गत भ्रूण की लिंग जांच कानूनी अपराध है, तो उसी के अंतर्गत विभिन्न अल्ट्रासाउंड सेंटर्स चेक किए जा रहे हैं और उसमें देखा जा रहा है कि जो भी अधिनियम में कार्रवाइयां करने के लिए लिखा गया है वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर्स। क्या निकल के है यहाँ पे? यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भरवाया जा रहा है, रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, फायर का भी देखा गया, उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ पाया गया, हालांकि उसमें रिफिलिंग की डेट पास हो चुकी है, तो उनको निर्देशित किया गया है कि तुरंत उसको सही करा लें।